हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज खेलने चले, जहां मिलते हैं आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिट इंडिया प्लॉगिंग रन की, जो कि 2 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट द्वारा चलाया गया है, जिसका मकसद है लोगों को फिट रखना। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी यानी कि फादर ऑफ नेशन का बर्थडे है, और उनके 150 बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन उनको ट्रिब्यूट देने के तौर पर फिट इंडिया प्लॉगिंग रन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका मकसद है लोगों को फिट रखना, हेल्थी रखना और खुश रखना। प्लॉगिंग का मतलब होता है जॉगिंग विद प्लेकिंग लिटर, जिसका मतलब है जॉगिंग करते समय गंदगी को साफ करना। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है फिट इंडिया मूवमेंट और स्वच्छ भारत का। दोस्तों, अब इसमें ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और आप इसमें ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हैं और आप डायरेक्ट नॉर्मल पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसको करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है गेट फिटर हेल्थियर एंड हैप्पियर। सो इसमें आपको पार्टिसिपेट में क्लिक करना है। सो ये पेज ओपन होगा, देखिए ये उसकी बारे में है। और यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, पहले तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाई ऑर्गेनाइज 2 किलोमीटर प्लॉगिंग इवेंट। पहले तो हम इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि क्यों स्टार्ट हो रहा है। सो ये महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन उनको ट्रिब्यूट देने के तौर पर हो रहा है, और ये कॉम्बिनेशन है स्वच्छ भारत और फिट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो उसके बेसिस पे ही ये स्टार्ट किया गया है। ये 2 किलोमीटर की रन होगी, एटलीस्ट 2 किलोमीटर की। सो हु कैन ऑर्गेनाइज, अब इसमें ये होता है कि कौन कौन इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसका इसमें आप कहीं पे भी, यानी कि विलेज, टाउन, सिटी, आपके वर्क प्लेस, आपकी सोसाइटी या आपके कॉर्पोरेट एरिया या स्कूल, एनजीओस, कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स, कहीं पे भी अपने एरिया में आप कहीं पे भी इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि आपको ये जो वेबसाइट है जिस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हु कैन ऑर्गेनाइज, हाउ टू ऑर्गेनाइज और ज्वाइन फिट इंडिया 2 किलोमीटर प्लॉगिंग, तो मैंने इसमें आपको बता दिया है कि कैसे, ये मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे। लेकिन उसके बारे में आपको बता दूँ कि इसमें ऑर्गेनाइजर को 2 किलोमीटर की रन करानी पड़ेगी। एरिया मैंने आपको बता दिया, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसमें मैंने आपको बताया, इसमें जो ऑर्गेनाइजर है उसे जब ये इवेंट करेंगे तो उसे पिक्चर और वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा एज अ फिट इंडिया मूवमेंट पार्टनर का मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स से। पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन ऑर्गेनाइजर द्वारा। सो ये कुछ है इनकी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस मीन्स आपको बैनर, बैकड्रॉप, सेल्फी पॉइंट बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो वो सब आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर की वेबसाइट से, जो कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप fitindiaoff@gmail.com पे इनको मेल भी कर सकते हैं। ये तो उनकी गाइडलाइंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनाइजर हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने बैकड्रॉप्स बनाने पड़ेंगे जो कि आपको वहाँ से मिलेंगे। आपको सेल्फी पॉइंट बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट डिज़ाइन के लिए आपको वहाँ से मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजर कैसे बनना है। देखिए यहाँ पे ये लिया हुआ है आपको ऑर्गेनाइज एज अ पार्टनर, ऑर्गेनाइजर पार्टनर। और एक और चीज़ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ऑर्गेनाइजर बनते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप भी ला सकते हैं अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वो आपके ऊपर है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, देखिए ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको फोटो लगानी पड़ेगी, अपने इवेंट का नाम, इवेंट का डिस्क्रिप्शन, आपकी सिटी, वेन्यूज, एड्रेस, ऑर्गेनाइजर नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और फोन नंबर। आप जैसे ही करेंगे तो डिटेल उनको मिल जाएगी। मैं फिल नहीं कर रहा क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि लोग कोई भी फॉर्म भरने में जो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सेम ही रहती हैं। तो ये मैं आपको फिल नहीं कर रहा, ये आप खुद ही फिल कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये तो है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजर बनना है तो आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि डिटेल्स आपकी वहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है fitindiaoff@gmail.com, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। लेकिन एक और बात, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते लेकिन आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसमें लिखा हुआ देखिए ज्वाइंट एंड इवेंट, तो एक इवेंट को ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों जैसे ही किसी ऑर्गेनाइजर ने इसमें रजिस्टर किया होगा वो यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा आपकी, तो आप उसे क्लिक कीजिए ज्वाइंट इवेंट। आप उनसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेकिन आपको फॉर्म अपने आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये देखिए उनका डायरेक्टली ईमेल एड्रेसेस है, नंबर भी, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेकिन आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो रजिस्टर फॉर इवेंट करेंगे तो देखिए तो आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी पड़ेंगी और उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप उस इवेंट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजर के अंडर, जो कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वही आपको प्रोवाइड करेगा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने स्टार्ट किया है। सो दोस्तों अगर आपको इस टाइप की वीडियो और पसंद है, बेसिकली हमारी जो चैनल है वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराता है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।